वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू द राजश्री वेट लॉस जर्नी। और वेलकम बैक इसलिए बोला क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत टेस्टी आज एक रेसिपी रेडी की है पालक से। पालक से मैं बहुत सारे ऑप्शन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट है पालक पनीर, और पालक पनीर में फ्रेंड्स आप यकीन करोगे बिल्कुल जरा सा ऑयल यूज़ किया है, और आप घर का खाना खा के भी बहुत अच्छा खासा वेट कम कर सकते हो अगर आप मेरे हिसाब से इस तरीके से बनाते। और फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगता है, आप ये मार्केट का भी भूल जाओगे अगर इस तरीके से बनाओगे। साथ में सॉल्ट फ्री हमारी टिक्की है, बिल्कुल ओट्स की है, बेसन की है, बहुत इजीली बन जाएगी। साथ में हमारी सॉल्टेड है, आप इसे बच्चों को भी दीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में हमारा चीला है, तो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत झटपट आपकी बन जाएगी। आप इसे डिनर में भी ले सकते हो, मॉर्निंग में भी ले सकते हो, लंच में भी ले सकते हो। सबसे पहले पालक लीजिए, और पालक हमारे प्याज और अदरक लहसुन वगैरह इन सबको मैंने एक साथ कट करके बॉयल कर लिया है। बॉयल इसलिए कर लिया ताकि ये इजली बन सके। अब जब ये बॉयल कर लेते हैं, हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। और दूसरी तरफ से हम ओट्स ले लेते हैं। ओट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए झटपट रेसिपी मैं बताती हूँ, उसके लिए आपने जितनी क्वांटिटी लेनी है अपनी ओट्स की ले लीजिए। मैं 1 बाउल लूंगी, और ये छोटी कटोरी है, आप अपने हिसाब से ज्यादा भी अपना रोस्ट करके रख सकते हो। इसमें मैं ड्राई रोस्ट अपने ओट्स को करूंगी, और ये इसे आप स्टोर भी करके रख सकते हो। कभी कभी अब ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हमें एकदम से कोई रेसिपी बनानी होती, क्रेविंग हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक कटोरी ले ली है। और पैन में आपको कोई ऑयल नहीं यूज करना, कुछ भी नहीं यूज करना, आपने ऐसे ड्राई इसे रोस्ट कर लेना है, और बिल्कुल अच्छी तरह से करना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब आप देख सकते हो मैं इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह यूज नहीं कर रही। फ्रेंड्स आप इसे आटे की तरह भी यूज कर सकते हो, ऐसे रोस्ट कर लीजिए, और भूनने के बाद आप अगर इसे ग्राइंड कर लेते हो, आटा भी बड़ा अच्छा तैयार होता है इसका। लेकिन मैंने इससे टिक्की बनानी है, तो मैं ज्यादा बारीक नहीं करूंगी, नॉर्मल ही करूंगी। अब इसे हम भून लेते हैं, और लो फ्लेम पे ही फ्रेंड्स इसे भूनना है, हाई नहीं करना। और ये हल्का हल्का होना शुरू हो गया है क्योंकि खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो आप देख सकते हो ब्राउन हो चुका है, हमने ज़्यादा नहीं करना। बस ऐसे होने के बाद अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद ही हमें इसे करना है। दूसरी तरफ से एक और चीज, हमने बेसन लेना है। बेसन को भी हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हमें हल्का ही भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना। हल्के हल्के हाथों से हम इसे भून लेंगे, कोई आपने घी वगैरह इसमें नहीं डालना। तो जो हमने ओट्स को किया था उनको हम ठंडा होने पर ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। और फ्रेंड्स इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना, बारीक आपने तब करना है अगर आपको ओट्स की रोटी बनानी है। तो आप देख सकते हो ओट्स को मैंने ऐसे बारीक कर लिया है, और फ्रेंड्स ऐसे दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना, तभी इसकी टिक्की अच्छी रेडी होती है। अब साथ साथ में हम अपने पालक अदरक अनियंस जो गार्लिक है उनको ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। और जल्दी जल्दी फ्रेंड्स ये आदत डाला कीजिए ताकि आपका काम इजी हो, आप खुद पे टाइम स्पेंड कर सको। अब एक नॉन स्टिकी में आपने 1 ही स्पून लेना है, और 1 भी मैंने ज़्यादा कह दिया, हाफ लो तो ज़्यादा अच्छा है, तो भी इतनी ही टेस्टी हमारी पालक पनीर की रेसिपी बनेगी। अब ये गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल देते हैं। फ्रेंड्स और चीज़ें नहीं डाल रही क्योंकि मैंने जो अनियंस वगैरह थे वो इसमें पहले ही कर चुकी हूँ, अनियंस गार्लिक वगैरह। और इसके अंदर हम बड़ी इलायची डालेंगे, 1 तेज पत्ता, आप देख सकते हो। ज़्यादा मसाले फ्रेंड्स हमने यूज़ नहीं करने क्योंकि हम हेल्दी तरीके से अपने पालक पनीर बनाएंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है उसके अंदर बरकरार रहे। तभी मैंने आपको बोला है बॉयल करके तो आपने ग्राइंड करना है, आपने बिल्कुल प्याज वगैरह को ऐसे नहीं करना कि आप उनको पहले रोस्ट कर रहे हो फिर उसको ग्राइंड कर रहे हो, नहीं, आपने नॉर्मल अपने बॉयल करके उनके साथ उसे ग्राइंड करना है। अब हमारे जो हमने ग्राइंड किया था अपना पालक और चीजें उनको हम डाल देंगे,
और फ्रेंड्स ट्राई करके जरूर देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मत सोचना कि उबला हुआ टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में ऐसे ही घर का टेस्टी खाना खा के अपने 32 किलो कम किए हैं और आपके भी बहुत अच्छे खासे कम होंगे। बस आपने ऑयल वगैरह मसाले वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करने। और फ्रेंड्स अगर हम इस तरीके से भी अपना खाना बनाते हैं बहुत टेस्टी बनता है, बना के जरूर देखना। अब हम इसके को हल्का सा उबाल देंगे, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और हल्दी थोड़ी सी, हमें इसके अंदर देगी मिर्च ज्यादा नहीं डालनी, थोड़ी ही डालनी है, मैंने हाफ से भी कम ही डाली आप देख सकते हो। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर फैट कटर मसाला। फ्रेंड्स ये तो आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए कि आपने लस्सी हो कुछ हो ये जरूर डालना है। थोड़ा सा नमक, नमक की क्वांटिटी अपने फूड में कम ही रखा कीजिए। और जो हमने बेसन भून के रखा था उसका 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि लम्स ना पड़े। और ट्राई करके ये ट्रिक जरूर देखना, अगर हम अपने पालक पनीर में एक बेसन का 1 स्पून डाल देते हैं ऐसे, बहुत टेस्टी आपका पालक पनीर बनेगा और इतना यम्मी बनेगा आप खुद कहोगे कि वेट लॉस जर्नी में भी इतना टेस्टी खाना खाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल खाया जाता है, मैंने ऐसे ही टेस्टी खाना खा के अपने 32 किलो फ्रेंड्स कम किए। अभी इसे हल्का भून लेते हैं और जब ये ऐसे हो जाते हैं, बबल्स आने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो ही इसके अंदर आपने बॉयल किया हुआ पानी डालना है। बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालना, अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। तो हल्का सा गुनगुना ही डालना है आप देख सकते हो। अगर आप ज्यादा लिक्विड चाहते हो तो और भी इसके अंदर पानी डाल सकते हो, मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ। आपने कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि ज्यादा ना हमारा रनी हो और ज्यादा ना हमारा थिक हो, ऐसे आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसे हम अच्छी तरह से पकने देते हैं और ढक देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब ये तो हमारा हो गया पालक पनीर रेडी। अब दूसरी रेसिपी हम देख लेते हैं। जो हमने ओट्स लिए थे हमने वो ले लेने हैं, मैं 2-3 स्पून ही लूंगी आप देख सकते हो। एक मैं डाल चुकी हूँ, दो। और अब इसके अंदर जो हमने अपना बेसन लिया था वो डाल देते हैं। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर अपना जो हमारे अनियंस अदरक पालक वगैरह का पेस्ट था वो डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये पालक की जरूर ट्राई करके देखना, इतनी हेल्दी होती है और आपकी क्रेविंग भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये मैं रेडी कर रही हूँ सॉल्ट फ्री के लिए। आप इसके अंदर सिर्फ फैट कटर मसाला डालिए बस, आपने इसके अंदर कुछ भी फ्रेंड्स नहीं ऐड करना, सिर्फ फैट कटर मसाला ऐड करना है। आप इसमें ऐड कर दीजिए, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अदरक वगैरह लहसुन वगैरह प्याज वगैरह हमने ऑलरेडी अपने पालक में ग्राइंड किए हुए हैं तो इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और ये मत सोचा कीजिए कि टेस्टी नहीं होता, सॉल्ट फ्री खाना बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। अब हमने 1/2 स्पून अपना नॉन स्टिक में देसी घी लेना है। और फ्रेंड्स देसी घी बहुत अच्छा होता है, अगर देसी घी नहीं है थोड़ा सा सरसों का तेल भी ले सकते हैं और थोड़ी सी हींग, ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी हींग डालनी है ताकि आपके डाइजेशन में बहुत इजी हो जाए। और आप देख सकते हो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्रेंड्स ये हम दोनों तरीके से बताएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ सॉल्ट फ्री के लिए। जब आप सॉल्ट फ्री में खाते हो इसे आप डिनर में भी ले सकते हो, मॉर्निंग में भी ले सकते हो, जब भी क्रेविंग हो। तो हमने हल्का सा ऑयल ले लेना, ज्यादा नहीं लेना आप देख सकते हो। आप इसके पकौड़े भी बना के फ्रेंड्स अपने फैमिली को दीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो लेकिन हम वेट लॉस जर्नी पे हैं, हमने पकोड़े नहीं खाने। हाँ आप अपने अपने लिए ऐसे टिक्की बना लीजिए और अपनी फैमिली के लिए इसके पकोड़े बना के दीजिए, वो भी इसके फैन हो जाएंगे। और ऐसे हमने टिक्की बना लेनी है, हमने बिल्कुल फ्लैट नहीं करना और ना ही हमने बहुत मोटी बनानी है। आप ऐसे कर लीजिए अच्छी तरह से और फ्रेंड्स ट्राई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ट्राई करने के बाद बताना।
और अब जो हमारा बाकी मिक्सचर बच गया है उसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स ट्राई करके ज़रूर देखा कीजिए न्यू न्यू रेसिपीज़। मैंने न्यू न्यू रेसिपीज़ से अपना अपनी क्रेविंग को भी दूर किया और अपना वेट भी कम किया। तो आप लोग भी इस तरीके से कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर ट्राई किया कीजिए। अब इसकी जो हम टिक्की, जैसे हमने सॉल्ट फ्री टिक्की रेडी की थी ऐसे ही हम अपनी सोल्टेड टिक्की बना लेंगे। ज्यादा फर्क नहीं होता फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने कुछ और ऐड नहीं किया है, सिर्फ सोल्ट ऐड किया है। अगर हम सोल्ट नहीं ऐड करते तो सोल्ट फ्री बन जाती है, अगर हम सोल्ट ऐड कर देते तो कैलरीज बढ़ जाती है लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी। तो डोंट वरी, अगर आप नॉर्मल डेज में भी इसे खाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अपने लिए तो सोल्टेड नहीं बना रही हूँ, मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है। आप देख सकते हो सोल्ट फ्री मैं लूंगी और मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, वो बहुत खुश होके खाते हैं। अब इसे हमने बिल्कुल भी बीच में नहीं छेड़ना, नहीं तो ये टूट जाती है। हमने इन्हें तब पलट के देखना है जब नीचे से ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उठना और फूलना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारे ओट्स इसके अंदर मिक्स है और ये हमारी सोल्टेड है और ये इधर वाली हमारी विदाउट सोल्ट है। तो हमारे जो पालक पनीर है उसे भी बीच बीच में आपने देखते रहना, ये ना हो और काम में उसे भूल जाओ। और ये मेरी नीचे से सिक चुकी थी और आप देख सकते हो मैंने एक और बना दी है सोल्टेड। और ऐसे ही हमें अपना चीला बनाना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ज्यादा दीजिए और ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। टिक्की हो तो हमने थिक ही रखना है, अगर हम चीला बना रहे हैं अपने ओट्स और बेसन का तो उसमें आपने ऐसे मटर वगैरह भी उबले हुए डाल सकते हो, या तो आप इसे मैश कर लीजिए। मैं मैश नहीं करूंगी, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ये वाला चीला बना के जरूर देखना, बहुत यम्मी लगेगा आपको। अब हमने अपनी टिक्की के अंदर भी हम उबले हुए मटर डाल देते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो आप भी अपने घर में बच्चों को दीजिए, हेल्दी दीजिए उनको। हम ऐसे हल्का सा जब ये नीचे से हो जाता है तो हम इसके अंदर ऐसे फिक्स करके डाल सकते हैं, कोई भी आप शेप वगैरह ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ट्राई करके जरूर देखना और मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और यही मेरी झटपट रेसिपी है जिनके जरिए मैं अपना वेट मेंटेन करके रखे हुए हूँ। और थोड़ा सा हमने अपने चीले के अंदर मिक्सचर डाल देना है पालक का। तो अब हमने तवा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने अपना ऑयल डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो आप देख सकते हो ये ऐसे होगा। इधर हमारा पालक पनीर भी रेडी हो रहा है और पालक पनीर में फ्रेंड्स अगर आप वैसे अपने टमेटोज डालते हो तो बहुत ज़्यादा खट्टापन आता है। मैं ऐसे हाफ करके टमेटोज डाल देती हूँ, एक तो कलर बड़ा अच्छा आता है, दूसरा ज़्यादा खट्टा नहीं होता। हमारी टिक्की भी रेडी हो रही है, दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। और जो हमारा चीला है वो भी आप देख सकते हो, ऐसे साइड्स देखा कीजिए। अभी ये ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं हुआ है, जब ये बिल्कुल हो जाता है नीचे से अच्छी तरह से ये अपने आप साइड्स छोड़ देता है। पर आपने कच्चा बिल्कुल नहीं छेड़ना, नहीं तो ये टूट जाएगा। अभी अच्छी तरह से हो चुका है, ऐसे नाइफ करके डालने से पता चल जाता है। अब हम इसे पलट लेंगे, तो आप देख सकते हो ऊपर से कच्चा है, अब हम इसे हल्के हाथों से पलटेंगे, बिल्कुल रेडी। और फ्रेंड्स अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ा जल जाता है, जलता नहीं है, नॉर्मल आपने ब्राउन ही रखना है। तो हमारा जो पालक पनीर है वो भी रेडी हो चुका है, बस एक मिनट में आपके सामने। ये देखिए हमारा पालक पनीर भी रेडी हो चुका है, हमारी सोल्ट फ्री टिक्की भी, साथ में हमारी सोल्टेड भी और साथ में हमारा चीला भी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी झटपट रेसिपीज पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए और खुश रहिए, और जल्दी जल्दी से किचन से छुटकारा पाइए, खुद के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को सजाइए। तो उसके लिए झटपट रेसिपीज भी आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी झटपट रेसिपीज कैसी लगती है। और पालक पनीर सीरियसली फ्रेंड्स आप ना एक बार ट्राई करके जरूर देखना, इस तरीके से बहुत टेस्टी लगता है और आपके वेट भी कम होगा और आपका काम भी ईजी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपने ये ज़्यादा पूरी वगैरह के साथ या और चीज़ों के साथ नहीं खाना, कोई ना कोई मैजिकल रोटी के साथ आप इसे
खा सकते हो। अगर फैमिली के लिए करना है तो आप पूरी वगैरह भी कर सकते हो या फिर राइस के साथ भी इसे खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए छोटी सी ओट्स की सब विदाउट सॉल्ट टिक्की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये आप जब सॉल्ट फ्री होते हो और ये नॉर्मल डेज में आप खा सकते हो। तो प्लीज मुझे लाइक शेयर तो जरूर किया कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, जिंदगी जिए। हैव ए नाइस डे।